उनको तो हम लोग पागल समझते थे। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये कोई बड़े वाली लोग है, इसे कुछ सीखने का खास। हाँ, उनसे अंग्रेजी भाषा जरूर सीखी, लेकिन उनके तौर तरीके ये कोई हमें गवारा नहीं। हाँ, कुछ सरकारी नौकर जरूर लगे रहते थे ज्यादा, और महात्मा गांधी ने भी जो आंदोलन किया उसमें भी उन्होंने बताया हुआ कि हमें अपने देश के प्रति अत्यंत निष्ठा और हमारे संस्कृति के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखनी चाहिए। इसमें हिंदू मुस्लिम विद्वान ईसाई का सवाल नहीं, पर इस देश का जो संस्कृति का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें है वो आज हो रहा। मैं देखती हूँ कि टेलीविजन में भी शराब की इश्तहारात लग रहे हैं, तो सोच भी नहीं सकते हमने कभी शराब चीज क्या वो देखी भी नहीं, हमको पता भी नहीं था कि क्या चीज होती, कौन सी चीज। ये तो किसी ने एक बार पूछा हमसे कि आप चीयर्स को क्या कहते हैं जब आप टेबल पे शराब आती, हमने कहा हमारे यहाँ टेबल पे छूने कभी शराब नहीं कोई। लेकिन अब लोग सोचते हैं कि शराब कर पिए नहीं तो आप साफ कैसे, और आप साफ जरूर होना चाहते। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप साफ हो जाएंगे तो आपको फिर से हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा, इसके कारण से साफ बनना। अभी भी यहाँ बैठे हैं ये सब हिंदुस्तानी बन गए, हमारे कल्चर में उतर आए। अब आप साफ बनिए और फिर उसके बाद फिर इधर आइए, उसे क्या पता। खासकर प्रदेश में जितने भी मैंने हिंदुस्तानी देखे हैं वो तो मानो जैसे कोई पेड़ उखड़ जाता है जमीन से, उस तरह के लोग वो सहयोग में तो आते ही नहीं, और एक तो आते भी हैं तो दो चार मिनट बाद भाग जाते हैं। वो जो हमारी महान परंपरा जिसके कारण आज संयोग सजा हो, जहाँ की हम संत साध हो और अवकरणों को मानते रहे, उस भारतवर्ष के आज सहयोग जो सजा है, तो ये बात आप ये न सोचे कि मैंने ही सब कुछ इसमें काम किया। सहयोग अनादिकाल से अपने देश में था। मार्कंडेय स्वामी जो भी कहते 14,000 वर्ष पहले हुए थे, उन्होंने भी कुंडलिनी की बात, हर जगह कुंडलिनी की चर्चा हुई। यही था कि पहले कुंडलिनी का जागरण एक ही आदमी एक ही गुरु, उसमें एक तरह का आवरण, और यही परंपरा रही कि एक गुरु का एक। लेकिन उसके बाद 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु से आज्ञा लेकर कुंडलिनी का पूरा वर्णन छठे अपने अध्याय में कर दिया, जो ज्ञानेश्वर। तो उस पर जो धर्म मातंड थे उन्होंने कहा कि ना ये निश्चित है, इसको मत पढ़ो, क्योंकि उनको मालूम नहीं था चीज का। इस तरह से वो चीज दब दुबा गई। पर 16वीं शताब्दी गुरु नानक कबीरदास जी और महाराष्ट्र के अनेक संतों ने कुंडलिनी का वर्णन किया, कुंडलिनी के जागरण के बगैर मनुष्य का कल्याण हो नहीं सकता, साफ साफ कह। तो फिर तांत्रिक खड़े हो गए कि हम बड़े कुंडलिनी के जानने वाले हैं, और इन तांत्रिकों ने दुकान खोल दी और लोग उनके आसपास मंडरा रहे।
मैंने यही पाया जब मैं संसार में, कि संसार में जो आज लोग हैं, इस कलयुग में जिस कश्मकश में है, वो और तरह के लोग विचलित, जैसे हमारे पिताजी थे वो अत्यंत शुद्ध आत्मा, माता जी भी कभी झूठे नहीं बोली थी, वो लोग हमने देखे। लेकिन उसके बाद अपना देश स्वतंत्र होने के बाद एकदम विचलित सा हो गया, और लोगों में पता नहीं कैसे पैसे की भूख सवार हो, ये हमने परदेश से सीखा, जो कि देश संत साधुओं के दान से, अवतारों के आशीर्वाद से चलता था, वो अब पैसों के ऊपर है। लेकिन ये पैसा लक्ष्मी का दान नहीं, ये तो कुछ बड़ी अजीब सी चीज है। अब जो देश बहुत समृद्ध माने जाते हैं उनके बारे में जरूर आपको बताऊं, क्योंकि मैं देख रही हूं धीरे धीरे उनकी हवा आ रही है, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, कलकत्ते। अब जैसा देश अमेरिका का देश, अब आप जानते नहीं कि अमेरिकन लोग अभी बच्चे हैं, मूर्ख बच्चे हैं, वे कोई अकल ही नहीं। जैसे कि एक स्त्री ने 8 बार शादी कर, अपने देश में अगर ऐसी कोई औरत हो तो हम लोग तो उसकी शक्ल देखो बाबा जाकर गिर जाना, तो उसकी 8वीं शादी में हनीमून में जा रही थी, तो वहां 5,000 लोग इकट्ठा हुआ देखने के लिए हनीमून में जा रहे, और 10 हेलीकॉप्टर से ऊपर से लोग नीचे कूदे फोटो लेते हुए, कुछ तो आदमियों पे गिरे, कोई पेड़ पे गिरे। मैं कहती हूँ दिल्ली शहर में भी 2 आदमी नहीं जुटे, ये तमाशा था। हमारे अंदर एक बड़ी सुबुद्धि अब भी हम धार्मिक, इतनी मूर्खता की बात करते हैं और उनको जो मूर्ख बना है उसे पीछे दौड़ते। अब एक देवी जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक शॉल बेचूंगी जो कि बहुत ज्यादा स्पंदित है, वाइब्रेटेड है, और जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक। अब बताइए शॉल की आध्यात्मिक होती, और उसमें लोग लग गए, लॉटरी लग गई, भगवान लग गए ऐसे लोगों से, इतने महामूर्ख, धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं और लगे धर्म के पीछे, जब वो कुछ जानते नहीं है तो उनसे कम से कम हम लोगों को तो कुछ सीखना नहीं चाहिए। दुनिया भर के जो लोग वहां पहुंच गए और उनको बेवकूफ बना है, वैसे है सीधे भोले, इसी तरह से कोई बहुत निकाल दे तो कोई शीरा निकाल दे तो कहीं कुछ कर दे, उसके पीछे भी लोग बहुत दीवार। ये सारी चीजें ऐसे ही लोग मानेंगे जिनके बिल्कुल ही अकल नहीं है। इन लोगों के बारे में यही मुझे कहना है कि पैसे के पीछे इतने दीवाने। फ्रांस देश में एक स्त्री को वेश्यावृत्ति करना मना नहीं, आप क्योंकि कमाई की बात,
धरने की बात वो धंधा कर रही है, आप कैसे मना करें? अमेरिका में तो कायदा हो ना हो इसको किसी से कोई मतलब, जहां औरतें इस कदर अधर्मी हो वहां कौन परमात्मा आशीर्वाद दे सकते, नहीं दे सकते। लेकिन आशीर्वाद उन्होंने जो दिए है वो कि इस कदर हंगामा बोले उसकी कुछ अगर मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ तो मंगलसूत्र तक मेरे पति उतार ले, इतना भयंकर वहां पर मामला चल, किसी की जिंदगी वहां आराम भी नहीं, सब स्पेशल ऐसे कर ऐसे ऐसे कर और सब कर्जे में डूबते, क्योंकि वहां हर एक चीज महंगी, वो कर्जे में लेते ये भी ले सकते फोड़ करके चाहे दो चीजें, अब उसी चक्कर में घूम रही है। मैं पा रही हूँ, मैंने देखा इस कदर पैसे का चक्कर इटली देश है, आधे पार्लियामेंट के मेंबर जेल में पैसे के चक्कर, यहां भी ऐसा हो जाएगा शायद, और इस कदर लोगों को लूटा जाता है झूठी बातें करके, जब पैसा ही सब कुछ है तो फिर स्त्री ने उसकी रज्जा का कोई नहीं, ऐसे जगह राक्षसी पैदा हो तो हो रहे हैं, वहां के बच्चे ही माँ बाप को मारा थे। एक औरत ने अपने दो बच्चों को गाड़ी में डाल के और पानी में डुबो दिया पैसा कमाने के लिए, तो अब जब आप ये देख रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि हमारी नजर कहाँ। अभी मैं आपके एडवर्टीजमेंट देखती तो हैरान होती हूँ, वो लड़कियां इस तरह के कपड़े पहन करके, विदेशी कपड़े पहन के गंदे, वो जींस पहनती जो धोते भी नहीं, वो तो पसंद है लोग, ये कहाँ अपना सुंदर सस्य श्यामला देश, वहां की जो संस्कृति को छोड़ करके इस तरह से आप लोग भाग रहे हैं। आज योग पर बात करने की जगह पहले मुझे यही कहना पड़ा, क्योंकि जो आज हमारी मनस्थिति है वो विचलित है, वो ठहरी हुई नहीं, हम समझते नहीं। अरे इस भारत वर्ष में जो जन्म लिया है ये अनेक पुण्यों की रास लगी, तब आप कहें जन्म पर पुण्य और अपुण्य का भी विचार है, वो भी विचार छूट गया तो भी आपकी पुण्य ही काम आती है, इसमें कोई शक नहीं।